Yes, guys. What was the topic we were doing last time? Anyone? Send me. Conductivity. क्या कर रहे थे? ठीक है. Cell constant and conductivity. ठीक है. That topic we had done. That was your almost the final part of electro. तो अब इसमें ना एक part हमारा रह गया है. I think we had derived the derivation. ना Wheatstone bridge experiment we had done. Yes, students. We had done Wheatstone bridge experiment, right? Okay, completed. So, कौन सा experiment? Okay, very good. देखो, we had done the cell constant and we had derived the relation between cell constant, conductivity and the resistance. तो lambda का जो formula है, अब अगर उसके अंदर तुम ये formula apply कर दो, तो तुम्हारा formula कैसे बन जाएगा? लैम्डा का फॉर्मूला क्या है? लैम्डा इज 1000 के बाय सी. द के कैन बी रिटन एज 1000 अपॉन सी मल्टीप्लाइड बाय बी बाय आर. ठीक है, तो ये फॉर्मूला मॉडिफाई हो सकता है. लैम्डा इज 1000 के बाय सी, बट के कैन बी रिप्लेस्ड बाय व्हाट? के कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ सेल कांस्टेंट. तो मुझे एक फॉर्मूला मिलेगा, लैम्डा इज 1000 के अपॉन सी, दैट इज लैम्डा अपॉन सी इनटू बी बाय आर. ओके, चलो, तो हमने रिलेशन कर लिया है किसके बीच में? लैम्डा के सी बी एंड आर के बीच में. बी इज द सेल कांस्टेंट व्हिच इज गिवन बाय द फॉर्मूला के इनटू आर, और के इज इक्वल टू बी बाय आर. ठीक है, चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग. देखो गाइस, लैम्डा और जो तुम्हारी मोलार कंडक्टिविटी है उसका रिलेशन मैं ले रहा हूं कॉन्सेंट्रेशन के साथ. रिलेशन ऑफ कंडक्टिविटी के एंड लैम्डा विथ कॉन्सेंट्रेशन. दो तरह के फिनोमिना होते हैं, एक होता है डाइल्यूशन और एक होता है कॉन्सेंट्रेशन. तो अगर मैं सॉल्यूशन को डाइल्यूट करता हूं, मतलब अगर तुम उसमें पानी मिलाते हो, जैसे कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा. तो दो रिलेशन है, के का रिलेशन और लैम्डा का रिलेशन, कॉन्सेंट्रेशन एंड विद डाइल्यूशन. तो देखो, रिलेशनशिप जो है वो बहुत इजी है. ये चीज हमेशा ध्यान में रखो कि जब सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड होगा, जितना कॉन्सेंट्रेटेड होगा उतनी कंडक्टिविटी बढ़ेगी, और जैसे जैसे सॉल्यूशन को तुम डाइल्यूट करते जाओगे, जो कंडक्टिविटी है ये धीरे धीरे क्या होगी, ये घटती जाएगी. तो सिंपल रूल है, कंडक्टिविटी ऑफ एनी सॉल्यूशन इंक्रीजेस विथ कॉन्सेंट्रेशन बट इट डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन. अब मोलार कंडक्टिविटी, अभी तुमने फॉर्मूला पढ़ा ही है मोलार कंडक्टिविटी क्या होती है. तो दो रिलेशन याद रखो, कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, बट मोलार कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन. यू नोट दिस पॉइंट. तो अगर मैं लैम्डा की बात करूं तो लैम्डा कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्या होगा, कम हो जाएगा, और डाइल्यूशन के साथ क्या होगा, ये बढ़ जाएगा. देखो, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो जितना कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लोगे उतनी मोलार कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, और जितना डाइल्यूटेड सॉल्यूशन लोगे उतनी वो बढ़ेगी. तो ये दो रिलेशन हमेशा ध्यान में रखो, कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, मोलार कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो स्टूडेंट्स, दोनों रिलेशन, कंडक्टिविटी और मोलार कंडक्टिविटी, रिलेशन ऑफ के एंड लैम्डा. यस, डन? यस सर. ओके, चलो. अच्छा, अब देखो, यहां पर एक चीज मैंने तुमको बोला है कि लैम्डा कॉन्सेंट्रेशन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इसका मतलब यह है कि अगर मैं सॉल्यूशन को डाइल्यूट करूं तो मेरे लैम्डा का वैल्यू बढ़ता जाएगा, लेकिन मैं सॉल्यूशन को कितना डाइल्यूट करूं, लैम्डा की वैल्यू बढ़ते 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 कहां तक चली जाएगी? एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर तुम्हारा लैम्डा मैक्सिमम हो जाएगा. इसका मतलब, इसके बाद और तुम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करोगे तो भी लैम्डा की वैल्यू बढ़ेगी नहीं. इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम मोलार कंडक्टिविटी.
वर्ड्स पे ध्यान दो, लैम्डा इज अ मोलार कंडक्टिविटी। अब मैं यहां पर ले रहा हूं एक नया टर्म तुम्हारे लिए। अब ये टर्म है, इसको हम लोग बोलते हैं लैम्डा नॉट। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम, और इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं मोलार कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन और एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये दोनों वर्ड पे ध्यान दो, मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन और एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और इसका सिंबल है लैम्डा नॉट। अब ये क्या होता है, व्हाट इज मैक्सिमम मोलार कंडक्टिविटी, मतलब एक तो लैम्डा है जिसको हम लोग मोलार कंडक्टिविटी बोलते हैं, अब ये नया टर्म लैम्डा नॉट क्या है। तो मैंने जैसा कि बताया तुमको, डाइल्यूट करोगे सॉल्यूशन को तो लैम्डा बढ़ेगा। अब सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने का तो कोई लिमिट है नहीं, मैं उसके अंदर पानी कितना भी मिला सकता हूँ, 1 लीटर, 2 लीटर, 10 लीटर, 50 लीटर, तो कितना बढ़ेगा लैम्डा, बढ़ते 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 कहां तक चला जाएगा, तो एक लिमिट है। तुम सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हो उसकी भी एक लिमिट है, एक पॉइंट के बाद तुम्हारा लैम्डा अब नहीं बढ़ेगा। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, जीरो कॉन्सेंट्रेशन। ऐसा मान लेते हैं कि अब सॉल्यूशन इतना डाइल्यूट हो गया है कि अब और ज्यादा पानी मिलाने से उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ध्यान दो, व्हाट इज मैं, अब ये लैम्डा नॉट क्या है, इसका डेफिनेशन दे रहा हूं मैं। इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम मोलार कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, ऑफ द सॉल्यूशन एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन और एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम मोलार कंडक्टिविटी, मतलब जब तुम सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हो तो वो बढ़ते बढ़ते एक पीक वैल्यू ले ले रहा है। ये जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी है, इसी को हम लोग बोलेंगे लैम्डा नॉट। तो लैम्डा नॉट का डेफिनेशन क्या हो गया, इट इज अ मैक्सिमम मोलार कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो तुम अपना जब न्यूमेरिकल कर रहे हो या एंट्रेंस के कोई क्वेश्चन कर रहे हो, अगर उसने बोला मोलार कंडक्टिविटी एट वन, मतलब किसी गिवन कॉन्सेंट्रेशन पे 1 मोलार सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी, तो वो लैम्डा हो गई। लेकिन अगर उसने बोला कि मोलार कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन, तो उसका सिंबल लिया जाएगा लैम्डा नॉट। तो ये दोनों सिंबल अब से ध्यान में रखो कि लैम्डा क्या है और लैम्डा नॉट क्या है। चलो तो लिख डालो नेक्स्ट हेडिंग, मोलार कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा नॉट एंड दिस इज द मैक्सिमम मोलार कंडक्टिविटी। किसी भी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी लैम्डा नॉट से ज्यादा नहीं हो सकती, दिस इज द हाईएस्ट वन, पीक वैल्यू। नोट डाउन दिस डेफिनेशन आल्सो। यस गाइस डन, यस सर, ठीक है डन, ओके। देखो नाउ वी आर डिराइविंग अ रिलेशन, तुमने अपने 11th स्टैंडर्ड में एक टर्म किया है जिसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और वहीं पर एक और टर्म हमने किया था डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो अब मैं एक रिलेशन ले रहा हूं, यहाँ पे एक रिलेशन डिराइव कर रहा हूं, इसके बीच में रिलेशन बिटवीन लैम्डा, लैम्डा नॉट, अल्फा एंड के ए। अब इसमें ये चार टर्म कौन से है, लैम्डा क्या है, मोलार कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन, लैम्डा नॉट क्या है, मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, अल्फा क्या है, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और के क्या है, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट। तो वो मैं डिराइव करते जा रहा हूं। सबसे पहले अल्फा का रिलेशन, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन
ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज गिवन बाय, चलो एक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ढूंढते हैं. इट इज गिवन बाय अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट. ये देखो ये हो गया तुम्हारा पहला फॉर्मूला. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर तुमको कभी भी एग्जाम में बोला गया, चाहे तुम एंट्रेंस में पूछ रहा है वो या तुम्हारे स्टेट बोर्ड में, कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ढूंढो, तो तुमको ये दो वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी. पहले देखना पड़ेगा लैम्डा. लैम्डा क्या होता है? इट इज द मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन. मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन. एंड व्हाट इज लैम्डा नॉट? इट इज मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन. ये हो गया तुम्हारा अल्फा का वैल्यू. यहीं पर एक चीज और नोट करोगे, कई बार तुमको आंसर परसेंटेज में दे देते हैं, तो याद रखो परसेंटेज अल्फा इज गिवन बाय अल्फा इनटू 100. ये भी एक रिलेशन है. अगर मुझे आंसर परसेंटेज में चाहिए तो तुम अपनी अल्फा की वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करोगे. तो ये पहला तुम्हारा रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विथ मोलार कंडक्टिविटी. नोट कर लो, ये हेडिंग लिख लो, रिलेशन बिटवीन लैम्डा, लैम्डा नॉट, अल्फा एंड के. के के लिए अभी आगे डिराइव करते हैं हम लोग, पहले तुम अल्फा के लिए डिराइव कर लो. देखो अब हम लोगों ने रिलेशन ले लिया है अल्फा के लिए. अब मैं कर रहा हूं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बाद जो नेक्स्ट टर्म है हमारा वो है डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट. तो सेकेंड रिलेशन में ले रहा हूं, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट इज गिवन बाय, द डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट के ए इज गिवन बाय एक लॉ है जो तुमने अपने 11th स्टैंडर्ड में किया है. इसको हम लोग बोलते थे ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, जहां पर हम आयोनिक इक्विलिब्रियम में के की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते थे. केमिकल इक्विलिब्रियम में के इज अल्फा स्क्वायर सी अपॉन वन माइनस अल्फा. तो मैं वो फॉर्मूला या वो रिलेशन यहाँ पर ले रहा हूँ. ये डायरेक्ट तुम्हारे ओसवाल्ड्स लॉ से है, तो इसको तुम एज इट इज लर्न करो. व्हाट इज के? के इज गिवन बाय अल्फा स्क्वायर सी अपॉन वन माइनस अल्फा. Now I will take this as equation number one. Your relation, we already know this relation. Dissociation constant K is always given by alpha square C upon 1 minus alpha. Okay. So, यहाँ पर ये तुम्हारा हो गया dissociation constant के लिए. Now next point. What is alpha? Alpha is lambda upon lambda naught. Take this as equation number two. This is your equation number two. अब ये दोनों को compare कर लो, क्या आएगा बताओ. From equation one and two. From equation one and two. What we will get? तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. अल्फा की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो क्या मिलेगा? कुछ ऐसा मिलेगा तुमको के ए इज इक्वल टू, ये अल्फा यहाँ पर इसकी जगह पर आ गया तो ये बन गया लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट द होल स्क्वायर, दैट इज योर अल्फा स्क्वायर सी डिवाइडेड बाय divided by 1 minus alpha. So this will become 1 minus, again what is alpha? Lambda upon lambda naught. Check karo. Ye milega tumko k ki value. Now isko thoda mathematically open kar dete bracket ko. So kya milega k ka value? Ye
ओपन कर दो, इट विल बिकम लैम्डा स्क्वायर सी डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट स्क्वायर, फिर से डिवीजन की साइन डिवाइडेड बाय, चलो इसको तुम डिनोमिनेटर इक्वल कर लो, तो इट विल बी लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट। चेक करो अभी यहां तक तुमने डिराइव किया है, इसके आगे फिर करेंगे हम लोग। बट स्टेप क्या है, हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट चाहिए अल्फा और के लैम्डा के टर्म में। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट का अपना एक फॉर्मूला है, ये तुम्हारे केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर से आ रहा है 11th के, के इज अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला कहां से आया ये तुमको पता करना है, लॉ है जिसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन चैप्टर में ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। ये तुमको तुम्हारे केमिकल इक्विलिब्रियम में हेलो सर, सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का यूनिट क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में यूनिट नहीं है, अल्फा है ना, वो फ्रैक्शन है। डिग्री का डिसोसिएशन क्या मतलब होता है, अगर 100 मोल डिसॉल्व किए उसमें से 10 मोल टूटा तो अल्फा क्या होता है, अल्फा एक रेशियो होता है, इसीलिए उसका कोई यूनिट नहीं है। समझा रोहन? हाँ सर। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में कोई यूनिट नहीं, और तू यहाँ पे देख इससे भी पता चलेगा तुझे, ये अल्फा देख दोनों लैम्डा लैम्डा है ना, तो दोनों की यूनिट सेम है, तो दे विल कैंसिल ईच अदर। सर और आपने बोला कि लैम्डा नॉट इज एट जीरो कंसंट्रेशन, तो लैम्डा नॉट का फॉर्मूला था 1000 के अपॉन सी, तो 1 अपॉन 0 तो मींस डेफिनेट नहीं होगा ना, नॉन डिफाइंड हो जाएगा। नहीं नहीं वो ऐसा नहीं बोल रहे हैं, ऐसा जीरो नहीं हो जाता है, वो जीरो नहीं होता है रोहन, कभी भी कंसंट्रेशन जीरो कैसे होगा, तूने सॉल्ट डिसॉल्व किया है कुछ तो किया होगा, टेंड्स टू जीरो ना, इट टेंड्स टू जीरो ना, टेंड्स टू जीरो, हाँ तो टेंड्स टू जीरो मतलब वो इन नेग्लिजिबल हो गया सी, तो तू सोच डिनोमिनेटर जितना छोटा करते जाएगा उतना तेरी वैल्यू क्या होगी, बढ़ते जाएगी, तब तक जब तक वो जीरो नहीं हो जाता ना, तो इट कैन नॉट बिकम जीरो, बट वो नेग्लिजिबल मान लिया जाता है, इसीलिए तो मैंने क्या बोला इनफाइनाइट डाइल्यूशन और इट इज कंसिडर्ड एज जीरो कॉन्सेंट्रेशन, इट इज नॉट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन उस पर इम्पैक्ट अब नहीं आ रहा है इसलिए उसको जीरो मान लिया जाता है कि भाई अब नहीं बढ़ रहा है। क्लियर? एग्जैक्टली जीरो नहीं होता है, कैलकुलेशन में सी को जीरो नहीं डाल सकता हूं। चलो गाइस ये फॉर्मूला नोट करो पहले, के का फॉर्मूला अल्फा स्क्वायर सी वन माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू है लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट, तो लेट सब्स्टिट्यूट एंड एक फाइनल फॉर्मूला डिराइव करेंगे अभी, पहले तुम इतना डाल लो वैल्यू और फिर बढ़ते हैं आगे। ओके डन नोटेड, के इज लैम्डा अपॉन लैम्डा, के की यूनिट मोलास में होगी ना, किसकी यूनिट, के ए की, के कांस्टेंट है रोहन, क्यों यूनिट होगा, इट इज अ नंबर, के जैसे 10 20 30 ऐसे नंबर है सर, के के फॉर्मूला से तो यूनिट मोलार आएगी क्योंकि अल्फा अल्फा का तो 1 है, तो फिर सी बचा, सी का यूनिट तो मोलार आता है ना, किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 1, हाँ ये इसके अंदर तू बात कर रहा है, तो 1 माइनस अल्फा जो है इट विल बिकम नियरली 1, तो के का तेरा डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू जो रहेगी वो डिपेंड करेगी तुम्हारे कॉन्सेंट्रेशन पे, सो यूनिट तो मोलार होगा ना, हाँ जिसमें कॉन्सेंट्रेशन दिया होगा तुझे, कॉन्सेंट्रेशन की बहुत सारी यूनिट है ना, मोलालिटी है, मोल फ्रैक्शन है, समझ गया, तो मतलब के की यूनिट है ना, हाँ के डिपेंड करता है कि तेरा सी का वैल्यू किसमें है, कॉन्सेंट्रेशन अगर तेरा मोल फ्रैक्शन है तो इट विल बिकम यूनिटलेस, तो मोस्टली के की वैल्यू जो होती है ना वो यूनिटलेस ही होती है क्योंकि ये हमेशा कांस्टेंट की तरह की ना कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है चलो तो अब आगे लेते हैं हम लोग, ये पहले फॉर्मूला पूरा कंप्लीट कर लूं मैं तो तुझे और समझेगा क्या है, चलो ये वैल्यू अब सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, देखो कैसे आएगा ये, अभी यहाँ पर ये लैम्डा स्क्वायर सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट है, चलो इसको थोड़ा कैलकुलेशन में ले लेते हैं, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर c डिवाइडेड बाय
लैम्डा नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, ये ऊपर चला गया, लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा, ये देखो ठीक है। तो अब यहां पर तुम सॉल्व करोगे ना तो ये एक लैम्डा नॉट कैंसिल हो गया, तो फॉर्मूला क्या बन गया, लैम्डा स्क्वायर सी डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट टाइम्स लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा, ये तुम्हारा डिसोसिएशन। तो ये तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला बना, व्हाट इज के ए की वैल्यू, के ए की वैल्यू इज गिवन बाय लैम्डा स्क्वायर सी डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट टाइम्स लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा, ठीक है। तो ये नोट कर लो फटाफट, ये दो तुम्हारे फॉर्मूला हमने किए, एक अल्फा का फॉर्मूला और एक के का फॉर्मूला। अल्फा इज लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट, के ए इज लैम्डा स्क्वायर सी डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट टाइम्स लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा, ठीक है। तो ये तुम्हारा दो फॉर्मूला तुम्हारे साथ बन गए। यहाँ पर टर्म्स याद रखना, लैम्डा इज द मोलार कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन, लैम्डा नॉट इज द मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, और सी तो तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन का ही वैल्यू है। डन। ओके वेरी गुड। चलो अब देखो एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन पे आ रहा हूं मैं, कि लैम्डा नॉट को मैंने थियोरेटिकली तो बोल दिया कि ऐसा होता है कि जब हम लोग डाइल्यूट करते जाएंगे सॉल्यूशन को तो लैम्डा बढ़ता जाएगा और एक हाईएस्ट वैल्यू मिलेगी जिसे हम लैम्डा नॉट बोलते हैं। लेकिन ये वैल्यू मैं ढूंढूंगा कैसे, अब ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि मैं हर बार थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते जाऊं और फिर कंडक्टिविटी ढूंढते जाऊं, क्योंकि कंडक्टिविटी एक पूरा एक्सपेरिमेंट है जिससे उसको ढूंढा जाता है, इट इज अ लॉन्ग एक्सपेरिमेंट। तो मुझे बार बार एक एक एमएल डाल डाल के मैं कितने तक ढूंढूंगा कि ये मैक्सिमम नहीं हो रही है, तो इसकी कोई टेक्निक होनी चाहिए जिससे मैं इसको आसानी से ढूंढ सकूं। तो यहाँ पर अब हम लोग लेने जा रहे हैं, ये तुमको समझेगा, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन ऑफ लैम्डा नॉट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, पहले मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ले रहा हूं, ठीक है। दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। पहले मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या फर्क है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जिनमें पूरा डिसोसिएशन होता है 100%, मतलब उनका अल्फा का वैल्यू होता है 100%। वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं जिनमें अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी होगी, 1% 2%, जैसे वीक एसिड होता है, वीक एसिड वीक बेस, ये सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एसिटिक एसिड फॉर्मिक एसिड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। HCl सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, NaOH KOH, ठीक है। तो अभी मैं पहले बात कर रहा हूँ किसकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का रिलेशन कैसे ढूंढते हैं फॉर लैम्डा नॉट। तो यहां पर पॉइंट नंबर वन, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लैम्डा एंड लैम्डा नॉट are related as, तो एक इक्वेशन है जिससे इन दोनों के बीच का रिलेशन है, ये साइंटिफिकली डिटरमाइन है तो तुमको एज इट इज लर्न करना है। ये रिलेशन है लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट माइनस ए रूट सी। ये कई बार तुम्हारे एंट्रेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है, लास्ट ईयर का नीट क्वेश्चन भी था ये, कि क्या रिलेशन है लैम्डा और लैम्डा नॉट में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। तो ये है वो रिलेशन, लैम्डा इज गिवन बाय लैम्डा नॉट माइनस ए रूट सी। अब इसमें तुम बोलोगे लैम्डा तो मोलार कंडक्टिविटी हो गई, लैम्डा नॉट जीरो कॉन्सेंट्रेशन की हो गई, सी कॉन्सेंट्रेशन हो गया,
ये ए कौन है? तो यहाँ पर ए क्या है? देयर ए इज अ कांस्टेंट, ये कोई एक नंबर है, इट कैन बी टू रूट सी, इट कैन बी थ्री रूट सी, इट कैन बी फाइव रूट सी, तो इट इज जस्ट अ नंबर, रिमेंबर दिस। तो ये डायरेक्टली रिलेशन है लैम्डा और लैम्डा नॉट का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। तो क्या कर रहा हूं मैं इसको, अब मैं इसको थोड़ा रीअरेंज कर रहा हूं। ऑन रीअरेंजिंग क्या मिलेगा मुझे, इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूं मैं, ये ए रूट सी को आगे ले रहा हूं, लैम्डा को, लैम्डा नॉट को पीछे ले रहा हूं, तो मेरा एक इक्वेशन बन रहा है माइनस ए रूट सी प्लस लैम्डा नॉट, ये एक इक्वेशन मिला मुझे। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो इट इज इन द फॉर्म, ये किस फॉर्म में है इक्वेशन, इट इज इन द फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये दोनों इक्वेशन कंपेयर करो, ये एक इक्वेशन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की तरह नजर आ रहा है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहां पर y एक्सिस की जगह कौन ले रहा है, लैम्डा, ये y की जगह पर आ रहा है, और ये x की जगह पे कौन आ रहा है, x की जगह पे आ रहा है रूट सी। ये क्या हिंट दे रहा है कि अगर मैं एक ग्राफ बना दूं, किसका ग्राफ, लैम्डा वर्सेस रूट सी का, तो मेरे y इंटरसेप्ट पे मुझे मेरा लैम्डा नॉट मिल सकता है जिसकी मुझे जरूरत है। तो हम लोग एक टेक्निक यूज करने जा रहे हैं, इस टेक्निक को बोलते हैं स्टूडेंट्स ग्राफिकल एक्स्ट्रापोलेशन मेथड। अब ये क्या होता है वो मैं तुमको ग्राफ में ही समझाऊंगा जब ग्राफ बनाऊंगा। अभी तक हमने क्या किया है, हमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा नॉट चाहिए, तो हमने एक रिलेशन लिया है लैम्डा इज लैम्डा नॉट माइनस ए रूट सी, ये होता है लैम्डा और लैम्डा नॉट का रिलेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। तो वहां पर हमने इसको अरेंज कर दिया है, और अब ये बोला है कि ये इक्वेशन किसको रिजेंबल कर रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को रिजेंबल कर रहा है जिसका फॉर्म है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसके बाद हम अपना ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो पहले तुम ये इतने पॉइंट्स नोट डाउन करो, हेडिंग डालो ग्राफिकल एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन ऑफ लैम्डा नॉट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एंड देन राइट दिस फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट। ये देखते हैं ग्राफिकल एक्सट्रापोलेशन टेक्निक क्या होती है। सर बोलो। यस, इस इक्वेशन में सी को रूट में क्यों लिया है? नहीं, हमने नहीं लिया, ये साइंटिफिकली डिराइव्ड इक्वेशन है। अच्छा, जब ये रिलेशन स्टडी किया लैम्डा और लैम्डा नॉट का, तो ये पाया गया कि ये इनके बीच का रिलेशन है, हमें वो डेरिवेशन नहीं है, हमें सिर्फ वो डेरिवेशन लर्न करना है, क्लियर, समझे? तो लैम्डा इज लैम्डा नॉट माइनस ए रूट सी। ओके सर, डायरेक्टली लैम्डा और लैम्डा नॉट का रिलेशन, यू हैव टू जस्ट लर्न इट गाइस, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रिलेशन है। जैसे हमने अल्फा का लिखा लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट, तो साइंटिफिकली डिटरमाइंड था, तो वैसे ही ये भी एक रिलेशन है इनके बीच। हमें सिर्फ ये सीखना है कि हम लैम्डा नॉट कैसे निकालेंगे, तो ये रिलेशन ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड है, तो ये नोट कर लो। पहले फर्स्ट पॉइंट रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड लैम्डा नॉट, फिर सेकेंड पॉइंट उसको थोड़ा रीअरेंज कर लो, तो वो एक इक्वेशन का फॉर्म ले लेगा वाई इज एम एक्स प्लस सी। दोनों पॉइंट नोट करो, अभी ग्राफ हम लोग बनाएंगे ना, तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे लैम्डा नॉट ढूंढते। अभी सिर्फ तुम इक्वेशन लिखो, फिर ग्राफ से समझेगा तुमको कि कैसे हम निकाल रहे। डन गाइस, ओके चलो। तो अब क्या करेंगे पता है, अब हम लोग ना एक ग्राफ बनाएंगे। पहले तो ये वर्ड को पकड़ो जो मैं नाम बोल रहा हूं, ग्राफिकल एक्स्ट्रापोलेशन मेथड, ये कई बार फिजिक्स में भी यूज होता है। एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब क्या होता है पता है, एक्सटेंड करना ग्राफ को। जैसे हमारे पास अभी का डेटा है, तो हम लोग एक्सटेंड करके बता सकते हैं कि भाई आगे भविष्य में क्या होने वाला है, इंडिया की इकोनॉमी प्लॉट करके बताओगे कि आगे क्या चली जाएगी, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं सर, एब्सोल्यूट वैल्यू के ऐसे ही हम लोग निकाल लेते ना। हाँ, तो वैसे ही। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अभी एक्स्ट्रापोलेशन का क्या मतलब है समझो, मुझे ग्राफ बनाना है, मुझे ग्राफ बनाना है, लैम्डा को वाई एक्सिस पे रखना है
और ये रूट सी को किधर रखना है, एक्स एक्सिस पे। तो इसका मतलब ये है, देखो जब तुम एक्सपेरिमेंट करने जाओगे लैब में तो तुम क्या करोगे, अपने इंस्ट्रूमेंट वगैरह कनेक्ट वनेक्ट करोगे और तुम के की वैल्यू, तुम दो चीजें ढूंढोगे, कौन सी, एक के और एक कॉन्सेंट्रेशन। तुम्हारे पास जो लिक्विड होगा ना उसका कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे और एक एक्सपेरिमेंट से कंडक्टिविटी ढूंढोगे। उस कंडक्टिविटी से तुमको क्या मिल जाएगा, लैम्डा मिल जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला है तुम्हारे पास लैम्डा और के और सी के रिलेशन पे। तो तुम्हारे पास ना ऐसे कॉलम में दो डेटा रहेगा कि लैम्डा और सी। अब लैम्डा और सी के डेटा में इस सी को किस में कन्वर्ट कर लोगे, रूट सी में। तो तुम्हारे पास दो डेटा रहेगा, लैम्डा और रूट सी। अब तुम लैम्डा और रूट सी के तीन चार वैल्यू निकाल लो, दो तीन जितने भी तुम निकाल सकते हो निकाल लो। तो तुम्हारे पास दो डेटा है, लैम्डा है और रूट सी है। अब तुम क्या करोगे, ग्राफ प्लॉट करोगे। तो स्टेप नंबर थ्री क्या है, ग्राफ इज प्लॉटेड कैसे, बाय टेकिंग दिस लैम्डा ऑन वाई एक्सिस एंड रूट सी ऑन एक्स एक्सिस। इतना तो मुश्किल नहीं है, समझ में आ रहा है। लैम्डा को वाई एक्सिस पे ले लिए और कॉन्सेंट्रेशन को एक्स एक्सिस पे। अच्छा तुम्हारा नेचर ऑफ ग्राफ क्या आएगा, तुम देख रहे हो यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, माइनस ए है, इसका मतलब ग्राफ क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन तो आएगी लेकिन इसका स्लोप क्या रहेगा, इसका स्लोप नेगेटिव है। तो ग्राफ कैसे मिलेगा, देखो ध्यान से, और यही ग्राफिकल एक्सट्रापोलेशन क्या है वो भी समझो। तो अब यहाँ पर ये दो एक्सिस तो बना दिए हमने, अब इन दो एक्सिस पर यहाँ पर हम लोग प्लॉट कर रहे हैं क्या, लैम्डा, क्या देखो लैम्डा इज ऑन वाई एक्सिस, और यहाँ पर क्या प्लॉट कर रहे हो, स्क्वायर रूट सी इज ऑन एक्स एक्सिस। अच्छा मुझे बताओ तुम जब प्लॉट करोगे पॉइंट्स कैसे मिलेंगे तुमको, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है, मैंने पहले ही बोला लैम्डा और सी इनवर्स होते हैं, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा लैम्डा क्या होगा, घटेगा। तो तुमको पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे, जो तुमने दो तीन डेटा लिया होगा उसके पॉइंट्स तुमको ऐसे मिलेंगे। ये देखो मैंने ये दो तीन डेटा मेरा प्लॉट कर दिया, जो मैंने कैलकुलेट किया था एक्सपेरिमेंट से वो मैंने प्लॉट कर दिया, लेकिन मुझे लैम्डा नॉट तो मिला ही नहीं। मेरा लैम्डा नॉट किधर मिलने वाला है, वाई इंटरसेप्ट पे। तो मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं वहां तक निकालू जब तक कि ये वाई इंटरसेप्ट पे ना चला जाए, नहीं, हम लोग बस दो तीन डेटा निकालेंगे और उसके बाद एक स्केल लेंगे और उस स्केल से, ये देखो तुम्हारा अभी तक का ग्राफ इतना ही है, तुम्हारा ग्राफ अभी तक इतना ही मिला है तुमको, तुमने यही तीन पॉइंट अभी तक एक्सपेरिमेंटल डेटा से प्लॉट किए थे, तो तुम्हारा ग्राफ अभी तक इतना ही है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट कर रहा हूं। एक्स्ट्रापोलेशन क्या होता है, एक्सटेंड करना, इसी लाइन में मैं इसको आगे एक्सटेंड कर देता हूं बिना वैल्यू ढूंढे। तो ये आगे जाकर के यहां पर कहीं पे कट करेगा और ये जो वाई इंटरसेप्ट कट कर रहा है इसको क्या बोलेंगे, ये हो गया तुम्हारा लैम्डा नॉट, यही है तुम्हारी मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। तो तुमको अपने सोल्यूशन को जीरो कॉन्सेंट्रेशन तक लेके नहीं जाना है, तुमको अपना सोल्यूशन एक दो तीन कॉन्सेंट्रेशन तक ही रखना है, लेकिन फिर अपने ग्राफ को एक्सटेंड कर देना, और वो एक्सटेंड होके जब जहां जाके कटेगा वो हो गया तुम्हारा लैम्डा नॉट। इज द टेक्निक क्लियर स्टूडेंट्स, इस टेक्निक को हम लोग क्या नाम देते हैं, ग्राफिकल एक्स्ट्रापोलेशन मेथड। तो ये जो तुम्हारा फोर्थ एंड फाइनल पॉइंट है वो यही है, द वैल्यू ऑफ लैम्डा नॉट इज ऑब्टेन्ड, कहां पर मिल रहा है, इज ऑब्टेन्ड ऑन वाई इंटरसेप्ट बाय विच मेथड, बाय ग्राफिकल एक्स्ट्रापोलेशन मेथड, नोटेड, डन। तो ये हो गया तुम्हारा एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ लैम्डा नॉट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो कर दो ये। तो इस तरह से हम लोग एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा नॉट बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, सिंपली हमने ग्राफ को एक्सटेंड कर दिया है।
कंप्लीट कर लो पॉइंट नंबर 3 और 4 आल्सो, इस वर्ड को अंडरलाइन करना, ये तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछा जाता है, ग्राफिकल एक्सट्रापोलेशन मेथड, ठीक है, तो ये तुमको तुम्हारे एंट्रेंस वगैरह में भी पूछ सकते हो लोग, बाय विच मेथड वी कैलकुलेट लैम्डा नॉट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वी कैलकुलेट इट बाय ग्राफिकल एक्सट्रापोलेशन मेथड. Done, students. Understood this part? Lambda naught for strong electrolyte. Chalo, done. Noted. Graph bhi bana lena, draw kar lena acche se. Yes. Okay, done. Chalo. Acha, question ye uthta hai ki agar main yahi graph weak electrolyte ke liye try karu, to kya hota hai? Dekho. मान लो तुम्हारे पास एसिटिक एसिड है या फॉर्मिक एसिड है, तो व्हाट विल हैपन इफ आई ट्राई टू प्लॉट द ग्राफ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट. अब देखो यहाँ पर एक कंपैरेटिव ग्राफ भी बनाएंगे हम लोग. एग्जाम में तुमको दोनों ग्राफ बनाना है, दोनों बनाओ. एग्जाम में कोई एक बनाना है, एक भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है. तो यहाँ पर मैं अगला पॉइंट ले रहा हूँ, पॉइंट नंबर 5. लिखेंगे दिस मेथड is not suitable. This method is not suitable for weak electrolyte. This method is not suitable for weak electrolyte. अब बोलेंगे ऐसा क्यों, क्यों वीक में नहीं सुटेबल है? तो देखो क्यों नहीं सुटेबल है, और ऐसा क्या प्रॉब्लम है वीक इलेक्ट्रोलाइट में कि ये ग्राफ से मुझे लैम्डा नॉट नहीं मिलता है. फिर से मैंने ग्राफ ले लिया है सेम, यहां पर हमने ले लिया लैम्डा, यहां पर हमने ले लिया रूट ऑफ सी, और अब मैं यहां पर दोनों के लिए ग्राफ कंपेरेटिव ग्राफ बना रहा हूं, वीक और स्ट्रॉन्ग के लिए. हमारी टेक्सटबुक में ये सिंगल ग्राफ ही दिया है उन्होंने, तो मैं यहां पे अब वो ले रहा हूं. देखो यहां पर ये 3 पॉइंट हमने ढूंढे, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, मैंने ये ग्राफ यहां तक मिला था मुझे, और मैंने इस ग्राफ को इस तरह से एक्सटेंड कर दिया था. तो एक्सटेंड करने पर मुझे यहां पर मेरा लैम्डा नॉट मिल गया. करेक्ट, ये किसके लिए था? ये सारा कार्यक्रम ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए था कि भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तुमको ऐसा ग्राफ मिल रहा है. अब अगर यही ग्राफ सेम डेटा, ये जो तुमने प्लॉटिंग की है यहाँ पे, ये डेटा अगर तुम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैलकुलेट करोगे, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में तुमको जो ग्राफ मिलेगा वो ग्राफ तुमको ऐसा मिलेगा. ये देखो, ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ और ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ. दोनों में क्या फर्क है? वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या फर्क है? देख रहे हो, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है वो लीनियर है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है वो एक्सपोनेंशियल है. तो ये चीज समझो, जहां पर तुम्हारा स्लोप होल नंबर्स में होता है, मतलब स्लोप जहां पर लीनियर होता है वहां पर स्ट्रेट लाइन मिलती है, लेकिन अगर तुम्हारा फ्रैक्शनल वैल्यूज है तब वो एक्सपोनेंशियल होता है. तो यहां पर ये रिलेशन एक्सपोनेंशियल है. इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट में लैम्डा और लैम्डा नॉट का रिलेशन लू तो वो एक्सपोनेंशियल होता है, जबकि इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इट इज लीनियर. तो इसीलिए मुझे कर्व मिल रहा है. देखो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आया. तो अगर मैं तुमको बोलूं कि क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ एक्सटेंड करके मुझे कभी लैम्डा नॉट मिलेगा? नहीं मिलेगा, ये तो वाई इंटरसेप्ट पे जा ही नहीं रहा है, ये मुझे एक कर्व दे दे रहा है. इसका मतलब ये टेक्निक मेरे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो सुटेबल है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में मैं ग्राफ को जब एक्सटेंड करता हूं तो मेरा ग्राफ जो है वो क्या मिलता है मुझे? स्ट्रेट लाइन है, तो मैं स्केल रख के एक्सटेंड कर सकता हूं. लेकिन अगर कोई कर्व है तो कर्व को तुम एक्सटेंड कैसे करोगे? एक तो एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तुमको उस कर्व का पता नहीं आगे कितना मुड़ेगा, कहां जाएगा, और करोगे भी तो वाई एक्सिस पे कट नहीं कर रहा. इसका मतलब लैम्डा नॉट की वैल्यू जिसके लिए हम लोग कर रहे हैं वो मिल ही नहीं रही. तो ये इसलिए ये जो टेक्निक है ग्राफिकल एक्सट्रापोलेशन मेथड, ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही सुटेबल है, जो कि मैंने लिखा
है, दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे अब मैं रीजन लिख रहा हूं, द रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड लैम्डा नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इज एक्सपोनेंशियल। हेंस ग्राफिकल एक्स्ट्रापोलेशन मेथड is not suitable to find lambda not done। तो ये हो गया तुम्हारा comparison। अगर उसने comparison बोला कि या question ऐसे पूछ लिया exam में तुमको, why graphical extrapolation method is not suitable for weak electrolyte, explain। तो you explain these points कि भाई अगर graph हमने बनाया भी तो हमें तो curve मिल रहा है, इसका मतलब ये मेरा मेथड सुटेबल नहीं है। रीजन यहाँ पर है, रीजन है एक्सपोनेंशियल रिलेशन। यहाँ पर है देखो ये एक्सपोनेंशियल रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड लैम्डा नॉट, तो नोट कर लो ये पॉइंट भी। सर आर वन बोल, ये जो हम लोग कर्व है उसका इक्वेशन तो हम लोग को पता है ना। हेलो, हाँ बोलना। ये जो कर्व है हम लोग का वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए उसका इक्वेशन तो हम लोग पता है, तो फिर उसमें उसका एक्स इंटरसेप्ट जीरो डालेंगे तो फिर वाई इंटरसेप्ट मिल जाएगा ना। अरे हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को वाई इंटरसेप्ट कब मिलेगा रोहन, जब वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होगा तब ना। बात समझ में आ रही है सर, ये जो हम लोग का कर्व है कब मिलेगा सर, हम लोग का जो ये कर्व है ढूंढ ले रहा है, लेकिन ये वाई इंटरसेप्ट पे लैम्डा नॉट कब मिलेगा, जब वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होगा तब ना। अभी यहाँ पे तो तेरे को डेटा देख, तुझे डेटा कितना मिला है। जब देखो स्ट्रेट लाइन में क्या होता है ना, हम लोग उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर तुझे पॉइंट दो तीन ही वैल्यू मिली है तो तुझे पता नहीं है कि तेरा उसमें लैम्डा नॉट कहां पर जाएगा। मेरी बात समझे, एक्सपोनेंशियल में तुम्हें कंफर्म नहीं होता है, एग्जैक्ट वैल्यू तुमको नहीं पता चलेगी, इसलिए यहाँ पर हम लोग उसको मैथमेटिकली सॉल्व नहीं कर रहे, ये एक्सपेरिमेंटली एक्स्ट्रापोलेट करके निकाल रहे। तो ये एक्स्ट्रापोलेशन वहां पे पॉसिबल नहीं है। अब तुम यहाँ पे तुम अपना जो इक्वेशन बन रहा है वो इक्वेशन बनाने नहीं बैठोगे, मेरी बात समझे, बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन द फिगर वो इक्वेशन बदलता रहेगा ना, तो इसलिए वो इक्वेशन यहाँ पे मैथमेटिकली सॉल्व नहीं हो रहा है, ये एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन है। जब तुम लैब में एक्सपेरिमेंट करने जाते हो, जैसे फिजिक्स का कोई है, तो तुम दो तीन डेटा लेकर के उसी डेटा को एक्सटेंड करते हो, क्लियर कि नहीं, वहां पर तुम उस लाइन का इक्वेशन थोड़ी बनाते हो बैठ के, क्लियर। तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ डेटा हमारे पास है कि भाई ये फलाना डेटा है, एक दो तीन, बस इसी से लैम्डा नॉट बताओ। तो अगर मेरे पास दो तीन वैल्यू है के और सी की, आई डोंट हैव एनी इक्वेशन, आई डोंट हैव एनी रिलेशनशिप, मेरे पास सिर्फ दो तीन डेटा है, क्या मैं उसको ग्राफ से एक्सटेंड करके बना सकता हूँ क्या, यहाँ पे ये क्वेश्चन है। इज द पार्ट क्लियर रोहन? ओके सर। तो क्या हो रहा है ना, यहाँ पे साइंटिफिकली हम लोग फिर ढूंढेंगे कि अगर मैं ग्राफ से नहीं बना पा रहा हूँ एक्सटेंड करके तो कैसे बनाऊंगा, तो वो उसके ऊपर एक दूसरा लॉ है जो आगे पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर हम लोग मैथमेटिकली इक्वेशन नहीं निकाल रहे, बिकॉज एज अ तुम्हारे पास जो तुम लैब में कर रहे हो तुम्हारे पास वो कंडीशन या वो सब चीजें नहीं होंगी, तुम्हारे पास सिर्फ दो तीन डेटा होगा कि भाई के इतना है सी इतना है बस। Yes guys done, ये नोट कर लो फटाफट। ओके, तो देखो एक चीज तो क्लियर हो गई कि हम लोग लैम्डा नॉट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो ग्राफ से निकाल सकते हैं एक्सटेंड करके वाई इंटरसेप्ट से, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट मुझे कर्व की वैल्यू देता है और जिससे हमें एक्स्ट्रापोलेट करने पर लैम्डा नॉट नहीं मिल रहा है। तो कैसे मिलेगा, अगर मुझे कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा नॉट चाहिए, मैं ग्राफिकली तो नहीं निकाल पा रहा हूँ डायरेक्ट एक्स्ट्रापोलेट करके, तो क्या कोई और
रूल है जिससे हम लोग निकाल सकते हैं। यस, तो उसके लिए एक लॉ है हमारे सिलेबस में, इसको हम लोग बोलते हैं कोलरॉस लॉ। ठीक है, अब ये लॉ क्या है, एग्जैक्टली क्या बोल रहा है, इसको इन डिटेल हम जाएंगे। तो पहले सिर्फ इसका नाम लिखो, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा मैं, बाकी इसका इन डिटेल हम लोग लेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, आज मैं सिर्फ तुमको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये लॉ कैसे है और कैसे वर्क करता है। अभी कुछ लिखना नहीं, बस समझो। देखो, कोलरॉस लॉ तुमको बोल रहा है कि मान लो कोई सोल्यूशन लिया है तुमने, ठीक है, कोई सोल्यूशन लिया है तुमने और उसको तुमने इलेक्ट्रोलाइट उसमें डिजोल्व किया हुआ है। तो अब जैसे मान लो तुमने ले लिया लैम्डा नॉट ऑफ NaCl ले लिया, समझो एक सॉल्ट ले लिया। तो कोलरॉस लॉ बोल रहा है कि जब ये तुम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लेके जाओगे तो ये दो चीजें बनाएगा, एक बनाएगा लैम्डा नॉट ऑफ कटायन Na प्लस आयन और दूसरा बनाएगा लैम्डा नॉट ऑफ अनायन। अरे, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट तो डिसोसिएट होते हैं और तुम इनफाइनाइट डाइल्यूशन के स्टेज पर हो तो कटायन और अनायन अलग हो गए। अब वो क्या बोल रहा है इसको ध्यान से सुनो, जो कोलरॉस लॉ का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो बोल रहा है इनफाइनाइट डाइल्यूशन के स्टेज पर कटायन और अनायन इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। इसका मतलब तुम्हारा Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन दोनों सोल्यूशन में इंडिपेंडेंट हो गए, मतलब अब उनका जो माइग्रेशन है, याद रखो कंडक्टिविटी किससे डिपेंड होती है, आयोनिक मोबिलिटी से डिसाइड होती है, कौन सा आयन तेजी से मूव कर रहा है कौन सा धीरे से मूव कर रहा है, ये कंडक्टिविटी के जो कंडक्शन है उसके ऊपर इंपैक्ट डालते हैं। तो कोलरॉस क्या बोल रहा है, कोलरॉस बोल रहा है कि अब ये कोई मॉलिक्यूल तो है नहीं, अब ये Na अलग हो गया और Cl अलग हो गया। तो देखो, हर एक आयन की अपनी प्रॉपर्टी होती है। अभी देखो Na प्लस का जो साइज होगा, सोडियम आयन का रेडियस, अब वो मैं चाहे NaCl ले लूं या मान लो मैंने यहां पर ले लिया NaOH और अब मैंने फिर से NaOH को भी इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दिया, तो ये फिर से इसने क्या बनाया, इसने बनाया लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस एंड लैम्डा नॉट ऑफ OH माइनस। तो ध्यान से देखो कि फिर से तुम्हारे पास दो आयन बन गए Na और OH, यहां से भी Na आ रहा है और यहां से भी Na आ रहा है, दोनों Na ही है, भले इसके साथ के आयन अलग अलग है। कोलरॉस का जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो समझो, वो बोल रहा है कि इसके नेबरिंग आयन कौन से हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा NaCl से आ रहा है कि मेरा NaOH से आ रहा है, क्योंकि अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन के स्टेज पर इस Na का इस Cl से कुछ लेना देना नहीं है, इस Na का इस OH से भी कुछ लेना देना नहीं है। इसका मतलब हर एक आयन क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, मतलब मैं इसको Na प्लस आयन ही मानूंगा और मैं इसको Cl माइनस मानूंगा, मैं इसको OH, इनकी अपनी अपनी आइडेंटिटी हो गई। तो मान लो Na प्लस की वैल्यू तुमको मिल रही है मोलार कंडक्टिविटी 5, तो जब तक ये Na प्लस मिलेगा तुमको, इसकी वैल्यू तुमको 5 ही मिलेगी, क्योंकि अगर वो Na प्लस आयन है तो उसके सारे पैरामीटर सेम होंगे, उसका एटॉमिक रेडियस भी वही होगा, उसका जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो भी वही रहेगा, तो उसकी मोबिलिटी भी वही रहेगी, इसका मतलब उसकी कंडक्टिविटी सेम रहेगी, इससे कोई नहीं फर्क पड़ता है कि वो पहले Cl से जुड़ा था या वो पहले OH से जुड़ा था। तो क्या बोल रहा है कोलरॉस लॉ, वो बोल रहा है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन स्टेज, मतलब जब तुमने सोल्यूशन को इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दिया है, देन एवरी आयन हैज इट्स ओन वैल्यू इररिस्पेक्टिव ऑफ The another ion with which it is associated. तो किसी भी आयन की अपनी वैल्यू होगी, उसका इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पहले किससे जुड़ा हुआ था। तो जो वैल्यू यहां पर Na प्लस की होगी, वही वैल्यू यहां भी Na प्लस की होगी, भले वो यहां पर Cl से जुड़ा है, भले वो यहां OH से जुड़ा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिसोसिएशन के बाद में ये भी Na प्लस आयन है और ये भी Na प्लस आयन ही है। तो अब इन दोनों की आइडेंटिटी क्या हो गई, सेम हो गई, तो इनकी वैल्यू ऑफ लैम्डा भी सेम हो जाएगी। इज द पार्ट क्लियर? तो ये था कोलरॉस लॉ का कंडीशन। मैं तुमको कोलरॉस लॉ का स्टेटमेंट दे रहा हूं, क्या है स्टेटमेंट समझो, और ये स्टेटमेंट याद करोगे तुम, हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। कोलरॉस लॉ किस लिए यूज होता है, इट इज यूज टू डिटरमाइन लैम्डा नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट,
तो कैसे ढूंढेंगे वो मैं तुमको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे पहले नाम लिख लो, ये नाम है कोलरॉस लॉ फॉर इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयोन्स। आज पहले सिर्फ ये लॉ लिखेंगे हम लोग, फिर इसको डिटेल एक्सप्लेनेशन और इससे कैसे लैम्डा नॉट ढूंढते हैं दैट आई विल कवर इन योर नेक्स्ट सेशन। तो आज पहले ये सिर्फ लॉ, और ये लॉ तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, स्टेट कोलरॉस लॉ, स्टेट कोलरॉस लॉ। तो क्या स्टेटमेंट है देखो, स्टेटमेंट इसका है, और एज इट इज स्टेटमेंट लर्न करना इंपॉर्टेंट है ये। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयोन माइग्रेट इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स को आयोन। ठीक है, एंड ये तो पहला पॉइंट हो गया कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन स्टेज पर हर एक आयन माइग्रेट इंडिपेंडेंटली कर रहे, अपने को आयोन से उनका कुछ लेना देना नहीं है। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयोन माइग्रेट इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स को आयोन एंड हैव देयर ओन कंट्रीब्यूशन एंड हैज देयर ओन कंट्रीब्यूशन। इस स्टेटमेंट को और भी एक्सप्लेन करूंगा मैं तुम्हारे अगले सेशन में, अभी तुम सिर्फ स्टेटमेंट लर्न करना। हाँ, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयोन माइग्रेट इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स को आयोन एंड हैव देयर ओन कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स टोटल मोलार कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इररेस्पेक्टिव ऑफ अदर आयन। थोड़ा लंबा है ये, बट मीनिंग समझ जाओगे तो इतना मुश्किल नहीं है। विथ विच इट इज एसोसिएटेड, विथ विच इट इज एसोसिएटेड। अब देखो क्या बोल रहा है वो, ये पूरा लॉ हो गया। लॉ बोल रहा है इनफाइनाइट डाइल्यूशन के स्टेज पर हर एक आयन इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करेगा। जैसे मैंने तुमको बोला एन ए अलग, सी एल अलग, एन ए अलग, ओ एच अलग, सब आयन अपना अपना माइग्रेट कर रहे हैं, उनका दूसरे से कुछ लेना देना नहीं। एंड हैज देयर ओन कंट्रीब्यूशन, मैंने बोला ना अगर तुम्हारे एन ए की वैल्यू 5 है तो वो 5 ही रहेगी, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि उसके बाजू में सी एल था कि ओ एच था, क्योंकि वो उसकी सोडियम आयन की वैल्यू है। अब सोडियम आयन है, उसकी आइडेंटिटी अब सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, उसकी आइडेंटिटी अब सोडियम क्लोराइड नहीं है, उसकी आइडेंटिटी क्या है अब सोडियम आयन। तो सोडियम आयन तो सोडियम आयन ही रहना है, वो चाहे NaOH से आए, चाहे NaCl से आए, चाहे सोडियम कार्बोनेट से आए, कहीं से भी आए। तो यही बोल रहा है कोलरॉस कि एवरी आयन हैज इट्स ओन कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स टोटल मोलार कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इररेस्पेक्टिव ऑफ अनदर आयन विथ विच इट इज एसोसिएटेड। तो उसकी वैल्यू पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके साथ वाला आयन कौन है, NaCl था कि NaOH था, उससे Na की वैल्यू बदली क्या, नहीं, क्योंकि वो अभी भी Na प्लस है और NaOH के साथ भी Na प्लस है और NaCl के साथ भी वो Na प्लस ही। तो इसीलिए हर एक आयन की अपनी वैल्यू होती है। अब इससे हम लैम्डा नॉट कैसे ढूंढेंगे दैट पार्ट विल कवर इन योर नेक्स्ट सेशन। ओके गाइस, तो जस्ट यू नोट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ कोलरॉस लॉ। कोलरॉस लॉ और जरा डिटेल में समझेंगे, अभी आज तुम्हारा टाइम कंस्टेंट है, तो नेक्स्ट सेशन में मैं कोलरॉस लॉ डिटेल में तुमको समझाऊंगा कि कैसे लैम्डा नॉट ढूंढते हैं और ये लॉ कैसे एप्लीकेबल होता है। टुडे यू जस्ट राइट द स्टेटमेंट।
यस डन एवरीवन। ओके चलो तो फिर आज का सेशन यहाँ पर कर रहा हूँ मैं, ठीक है, बाय एवरीवन। तो नेक्स्ट टाइम विल कंटिन्यू फ्रॉम द पोलर ऑस्ट। ओके चलो गाइस बाय।